हेलो, सभी को नमस्ते। आज हम लोग श्लोक 33वां 33 श्लोक सेकंड चैप्टर का कर रहे हैं, और पहले सुन लेते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि। कोई कुछ पढ़ना चाहेगा इसको या बोलना चाहेगा तो बोल सकते। मैं पढ़ लू? यस सर। हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो। श्लोक 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। धन्यवाद। मैं देखू था मैम। चैप्टर 2 भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। भगवत गीता दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं पढ़ लेती हूँ। ओम श्रीमद् भगवत गीता श्लोक पारायण। ओम श्री कृष्णम सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णम शरणं मम। ओम श्री कृष्णम परब्रह्मणे नमः। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। अथ द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 33। अथ चेत्त्वमिदं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वं पापं वाप्स्यसि। कृष्णार्पणम्। इसका हर एक श्लोका का हेलो, एक मिनट। अथ इसलिए चेतम यदि त्वम तुम इदम यह धर्मम धर्म की दृष्टि से संग्रामम युद्ध करिष्यसि करना ततः इसलिए स्वधर्म तुम्हारा जो स्वधर्म है तुम्हारा जो कार्य है कीर्तिम कीर्ति बा यश हित्वा मतलब हरा देना खो जाना पापम पाप कार्य अबाप्स्यसि मतलब प्राप्त होना। तो अभी इस श्लोका का अर्थ क्या है? इस श्लोका में कृष्ण परमात्मा अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर अर्जुन तुम युद्ध करने के लिए इच्छुक नहीं हो जो कि तुम्हारा सामाजिक कर्तव्य है और उस कर्तव्य को तुम कर्तव्य से करना नहीं चाहते हो तब तुम्हारा जो कीर्ति है तुम्हारा जो कीर्ति है वो और तुम्हारा जो एक योद्धा के नाम से तुम जो परिचय पाए हो उसका उस उसका तुम उस उसको खो दोगे और इसके बदले तुम्हें पाप ही अर्जन करोगे मतलब पाप तुम्हें लगने वाला है। यह है इस श्लोका का अर्थ।
अभी इस श्लोका का हम थोड़ा सा भावार्थ देखते हैं कि इस श्लोका क्या कहता है। 33 श्लोका थर्टी थ्री श्लोका में कृष्ण परमात्मा अर्जुन को क्या कह रहे हैं, हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हम सब इस दुनिया में, हर एक इंसान, हर एक पल हर्षद वर्गा के साथ और अपनी अंतः राग द्वेष के साथ, हर पल हमारे मन में एक अंतः युद्ध चलता ही रहता है, और ये हर एक मनुष्य में हमेशा चलना भी चाहिए। लेकिन प्रकृति में एक योद्धा को ही एक बाह्य युद्ध करने का अवसर मिलता है, धर्म को रक्षा करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी व अवकाश सभी लोगों को प्राप्त नहीं होता, सिर्फ क्षत्रिय व योद्धा को ही मिलता है। तो जब ऐसा एक स्वर्ण अवसर मिलता है एक क्षत्रियो को, तब वो अपना स्वधर्म को करना चाहिए, ना कि कोई भी मन का स्थिति के लिए व मन में कोई भी डर के वजह से उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि खुद का जो स्वधर्म करना, खुद का स्वधर्म करना भी एक धर्म कार्य है। ये धर्म कार्य को ना करके अधर्म अधर्म हम कमाते हैं। ये अधर्म करने से हम कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते। हमारा स्वधर्म जब करते हैं, उस समय हम अगर उसका सही समय पर सही उपयोग करते हैं हमारा स्वधर्म का, तब हमारा वो जो स्वधर्म है वो भगवान के लिए कर्म होगा। कर्म कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो ये तो एक धर्म का युद्ध है। तो ये ऐसा एक धर्म युद्ध में अगर अर्जुन अर्जुन युद्ध ना करके अपनी मनोस्थिति के वजह से अगर उससे पलायन करते हैं, तो वो क्या होगा? वो एक अधर्म कार्य ही होगा, जो कि उनको अपकीर्ति व अपयश देने वाला है। कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम जिस धर्म युद्ध से पलायन करके पाप को अपने अपने सर ले रहे हो, और युद्ध ना करके ना कर ना करके उसको छोड़कर धर्म को अपने वो क्या होगा, धर्म को अपने पैर से ठोकर मारने जैसा कार्य है। तब वो किसका अपमान है? अगर आप अपना स्वधर्म अगर नहीं करते हैं, वो किसका अपमान होता है? वो स्वयं भगवान का अपमान होता है, क्योंकि भगवान आत्मा के रूप में आपके मन में बैठे रहते हैं, आपको चलाते हैं, आपको दिशा मार्ग करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। तो आत्मा के स्वरूप में जो भगवान है, आप अगर स्वधर्म नहीं करते हो, तब उस आत्मा रूपी भगवान का भी आप अपमान करने वाले होते हैं। ये जो स्वधर्म है, वो आत्मा को संरक्षण करने वाला धर्म है, और वो नित्य है और हमेशा नूतन रहता है। वैसे स्वधर्म को हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा स्वधर्म ही भगवान के पास हमें पहुंचाने का एक मार्ग है, एकमात्र मार्ग है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमें हमारा स्वधर्म करना चाहिए। उस स्वधर्म करने से ही हमें वो कीर्ति बा यश जिंदगी में प्राप्त होगी, और कीर्ति जो है
वो भगवान का ही प्रतिबिंब होता है। इसको कभी भी दाग नहीं लगना चाहिए उस कीर्ति को। तो हमें उस कीर्ति को कैसे दाग नहीं लगने से बचाना है, हमें अपना स्वधर्म को रक्षा करके अपने जीवन में अपना स्वधर्म और कीर्ति को हमेशा सुरक्षा करना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं कि अपनी कीर्ति और स्वधर्म को युद्ध को छोड़कर आपको अगर अपना कीर्ति और स्वधर्म को छोड़ देते हो, कीर्ति और स्वधर्म को छोड़ देते हो, तो युद्ध में धर्म को छोड़ने वाले होते हो, और जब धर्म को छोड़ देते हो तब आपको पाप लगता है। इसीलिए कृष्ण परमात्मा अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि अपना स्वधर्म जो है, क्षत्रिय का धर्म जो है, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना, इसीलिए आप उस युद्ध को करो। ये है मैम इस श्लोका का व्याख्यान। धन्यवाद। किसी को कुछ कहना है, किसी को भी? हेलो हेलो, नहीं मैम, आप आगे वाला कर बताओ, 34th श्लोका। 34th श्लोका कर ले मैम? ठीक है, आप जी प्ले कर दीजिए, हम फिर 34th श्लोका भी कर लेंगे। कीर्ति मरणादतिरिच्यते। मधुलीना पढ़ोगे? पढ़ो। हाँ ओके मैं पढ़ती हूँ हाँ श्लोका 34। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते यव्ययाम् संभावितस्य चा कीर्तिम् मरणात् अदि अतिरिच्यत। पढ़कर है। ये जो अपकीर्ति है, अपयश है, ये मृत्यु से भी बहुत दुखदाई है। ये है इस श्लोका का अर्थ। तो अभी इस श्लोका का थोड़ा भावार्थ देखते हैं कि श्लोका क्या कहता है। तो इस श्लोका में कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि देखिए, मृत्यु जो होता है वो केवल शरीर को ही कष्ट देता है, लेकिन अपयश जो है, अपकीर्ति जो है, वो जन जन तक मनुष्य को दुख देता ही रहता है। इसीलिए अपकीर्ति बा अपयश को मृत्यु से भी बहुत दुखदायी कहा गया है। हमें बा हम जब जो करना नहीं चाहिए, जो काम करना नहीं चाहिए वो काम करते हैं, और जो काम करना है उसे नहीं करते हैं, उस समय हमें अपकीर्ति बा अपयश प्राप्त होती है। यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र में ये एक धर्म युद्ध है, जो धर्म युद्ध है जिसको अर्जुन को करना है, लेकिन वो धर्म युद्ध को करना नहीं चाहते हैं, उसको छोड़ देना चाहते हैं वो धर्म युद्ध। अगर अर्जुन उस धर्म युद्ध को छोड़ देते हैं तो उन्हें क्या होगा? उनको अपकीर्ति व अपयश प्राप्त होगी। इसीलिए कृष्ण परमात्मा अर्जुन को एक चेतावनी जैसे देने की कोशिश कर रहे हैं इस श्लोका में। ये श्लोका अर्जुन के लिए एक चेतावनी है, केवल अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन के माध्यम में हम सभी को कह रहे हैं कि कृष्ण परमात्मा, मनुष्य जब अपना इंद्रियों की, अपना मन की अधीन हो जाता है, और तब उसे अधीन होकर उसका जो स्वधर्म है वो नहीं कर पाता है, तब उसको अपकीर्ति आती है। हर एक मनुष्य को अपनी इंद्रियां और मन दोनों को अपने अधीन में रख के, आत्मा की स्थिति में रह के, अपना धर्म को पालन करते हुए इस अपकीर्ति को अपनी जीवन में
ना लाने की कोशिश करना चाहिए, या इस अपकीर्ति से या अपयश से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे खुद को रक्षा करने करने करना चाहिए कि एक ऐसा ही हम सभी को अपने जीवन में खुद को रक्षा करना चाहिए, ना कि एक जंतु के तरह या एक मनुष्य के तरह अपने जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जो है सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ जन्म है मनुष्य का। तो अर्जुन तो सबसे एक शूरवीर है, वो केवल साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक शूरवीर है, महारथी है। तो उनके लिए, उन जैसे अर्जुन जैसे महारथी के लिए जब ये अपना स्वधर्म छोड़ देते हैं, तब ये कहाँ तक चला जाता है उनका वो अपकीर्ति बा अपयश। तो ये उनके लिए शोभादायक नहीं होता है, एक वीर पुरुष के लिए एक युद्ध छोड़ के, धर्म युद्ध छोड़ के अपनी देश बा राज्य के प्रजा को रक्षा करना उनका धर्म है। उस धर्म को छोड़ के अगर वो युद्ध में पलायन करते हैं, तो ये उनको सुनिश्चित अपयश ही प्रदान करेगा। एक महारथी बा एक योद्धा के जीवन में युद्ध से पलायन करने से ये सबसे श्रेयस्कर है कि उस युद्ध में धर्म को रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त कर जाए, ये उसके लिए सबसे यश वाली कार्य है। ना कि वो युद्ध से पलायन करे हिंसा अहिंसा का मार्ग लेके। तो इस अपकीर्ति से बचने के लिए कृष्ण परमात्मा अर्जुन को ये धर्म युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अगर अर्जुन ये धर्म युद्ध ना करके छोड़ देते हैं, तब क्या होगा, उनके जीवन में अपकीर्ति आएगी जो कि जिंदगी भर उनके साथ रहेगी। मृत्यु तो केवल एक शरीर का रहता है, कुछ देर कष्ट देता है, लेकिन जो अपयश बाकी अपकीर्ति आती है, खराब नाम आता है आपको, वो लेकिन आपके जिंदगी में, आप जब तक इस शरीर में रहेंगे तब तक आपके शरीर को, मन को, आत्मा को कष्ट देती ही रहेगी। इसीलिए एक शूरवीर को ये कभी भी शोभा नहीं देता है कि कोई भी कारण के वजह से वो युद्ध को छोड़ दे, युद्ध क्षेत्र से पलायन करे। तो ये कृष्ण परमात्मा अर्जुन को ये कह रहे हैं कि आप जो भी हो, आपका कारण जो भी है युद्ध करने का, युद्ध ना करने का, उसको एक तरफ करके युद्ध करने की कोशिश करो। अर्जुन यहाँ पर युद्ध से पलायन कर रहे हैं या युद्ध नहीं कर रहे हैं, युद्ध नहीं करूंगा जो निर्णय लिए हैं ये, लेकिन दूसरे पक्ष को पता नहीं है कि युद्ध अर्जुन के मन मन में कौन सा परिवर्तन हुआ है जिसके वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा जो विरोधी दल है वो तो यही सोचेंगे कि अर्जुन कापुरुष है, युद्ध के भय परिणाम से भय होके, भयभीत होके वो युद्ध नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं सोचेगा कि अर्जुन अभी बुद्ध बन गए हैं, अहिंसा के मार्ग में चलना चाहते हैं, उनके मन में स्वजन के प्रीति के वजह से, मोह के वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। रण क्षेत्र में इतना कुछ कोई विश्लेषण नहीं करेगा। अगर आप युद्ध नहीं कर रहे हैं तो साफ सी बात है कि आप युद्ध की भयावह परिणाम से डर के आप युद्ध छोड़ रहे हैं बोल के हर कोई सोचेंगे। तो कृष्ण परमात्मा अर्जुन को यही कह रहे हैं कि आप अर्जुन इस युद्ध को, जो भी हो परिणाम, आप इस युद्ध को करो। कृष्ण परमात्मा, जैसे मैंने कहा कि कृष्ण परमात्मा ये केवल अर्जुन को कह रहे हैं इस श्लोका के माध्यम में, नहीं, कृष्ण परमात्मा अर्जुन के माध्यम से हम सभी को कह रहे हैं, हम सभी
सभ्य समाज के हर एक मनुष्य को कह रहे हैं कि एक चेतावनी दे रहे हैं। हम जो आज की दुनिया में हम अपने इंद्रियों के मन के बस में होके क्षणिक सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए अपना स्वधर्म को भूल जाते हैं और स्वधर्म को भूल भूल जाके आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं। तो कृष्ण परमात्मा वही कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा ये कह रहे हैं कि आप अपने स्वधर्म को मत भूलो क्षणिक सुख के लिए। अपना स्वधर्म जो है, हर पल अपना स्वधर्म को कृष्ण परमात्मा सभी को कह रहे हैं कि हमें अपने क्षणिक सुख के लिए इंद्रियों की भोग में हम आ जाते हैं, भौतिक दुनिया की प्रलोभन में आके अपना जो स्वधर्म को छोड़ देते हैं। हमें वैसे स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी परिस्थिति जो भी ना हो। जैसे ऐसे अगर हम करते हैं तो हमें कभी भी जीवन में सुख नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो क्षणिक है, जो भी है वो क्षणिक है। भयाद्रणादुपरतम् मस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। मैं पढ़ लू श्लोका थे। परसाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कृष्णार्पणम्। इस श्लोका में हर एक शब्द का अर्थ पहले जानने की कोशिश करते हैं। भयात का मतलब भय के वजह से, यह पहला शब्द ही संधि है। इस मिनट मेरा थोड़ा सा ये भयात भय के वजह से पहला शब्द संधि है। तुम्हें महारथः, अर्जुन को महारथी हम कहते हैं। ये श्याम जो लोग त्वम तुम्हें बहुमतः सम्मान प्रद भूत्वा जो हो गया है, यास्यसि मतलब हरा दोगे, लाघवम कम हो जाएगा। तो कृष्ण परमात्मा इस श्लोका में अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो महारथी लोग, जो योद्धा लोग आपको महारथी बोल के आपको कह रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, अब अगर आप भय के वजह से इस युद्ध के क्षेत्र से पलायन करते हो तो वही लोग तुम्हें तुम्हें और तुम्हारे पलायन की वजह से, तुम जब युद्ध क्षेत्र से पलायन करोगे, वही लोग तुम्हारा अपकीर्ति करेंगे और तुम्हारा सम्मान भी घट जाएगा, कह रहे हैं अर्जुन को कृष्ण परमात्मा। तो इस श्लोका का हम भावार्थ थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं, हम जानते हैं अर्जुन कितने बड़े महारथी हैं। अर्जुन ऐसे एक महारथी हैं जिसको द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहते हैं। हर कोई जानते हैं कि अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं पाता है। द्रोणा, भीष्म, हर एक व्यक्ति अर्जुन के ऊपर गर्व गर्व अनुभव करते हैं। अर्जुन के ऊपर, अर्जुन की धनुर्विद्या से खुश होकर खुद द्रोणाचार्य उनको एक अस्त्र भी दिए थे युद्ध में प्रयोग करने के लिए। ऐसे अर्जुन है।
और अर्जुन इतने महारथी है, जब ये लोग वनवास में थे तो अर्जुन तपस्या किए थे पशुपाशास्त्र के लिए। पशुपाशास्त्र के लिए जब अर्जुन तपस्या किए थे, शिव भगवान एक शिकारी के रूप में अर्जुन के सामने आए और अर्जुन शिव भगवान के साथ उस युद्ध में युद्ध किए और शिव भगवान को भी उस युद्ध में परास्त कर दिया। और अर्जुन का वो युद्ध कौशल देखकर शिव भगवान खुश हो जाते हैं और अर्जुन को पशुपाशास्त्र प्रदान करते हैं युद्ध में प्रयोग करने के लिए। ऐसे हैं अर्जुन। और दुशासन, दुर्योधन, कौरव, जितने भी कौरव हैं वो सब भी अर्जुन का युद्ध का शक्ति को जानते हैं। वो कितने बड़े योद्धा हैं। स्वयं दुर्योधन मानते हैं कि अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सकता, इसीलिए अर्जुन के विरोध वो युद्ध में किसको खड़े किए हैं, कर्ण को। कर्ण के साथ संधि करके, मित्रता करके वो अर्जुन के खिलाफ खड़े किए हैं। अर्जुन को इतना बड़ा योद्धा सब समझते हैं। अगर एक अर्जुन नहीं तो ये युद्ध नहीं, वो लोग भी जानते हैं, कौरव सब जानते हैं। तो अर्जुन इतने बड़े योद्धा हैं। तो कृष्ण परमात्मा अभी अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अब आपके मन में कारण जो भी है युद्ध ना करने की, आप अभी बदल गए हो, आपकी इंद्रियां, आपके मन जो आपके अधीन अधीन नहीं है, आपके अधीन नहीं है, मोह के वश हो गया है, आत्मजनों की प्रेम के वश के कारण आपके इंद्रियां और आपका मन जो आपकी बात नहीं मान रहा है, उसके कारण आप युद्ध नहीं कर रहे, नहीं करने के लिए जो निर्णय लिए हो, गांडीव छोड़ दिए हो, इसके वजह से आपको सब लोग जो इतना आपको सम्मान दे रहे हैं, आपके सम्मान का कारण जो लोग हैं, वही लोग आपको आपके युद्ध के पलायन का कारण तो कोई नहीं पूछेगा कि क्यों आप युद्ध से पलायन कर रहे हो, वही लोग आपको अपकीर्ति देंगे, बदनाम करेंगे, आपका खराब नाम होगा कि अर्जुन सिर्फ युद्ध के भय से चले गए हैं, युद्ध के भयावह परिणाम को जान के पहले से हार जाएंगे, सोच के चले गए हैं, ये ही मिलेगा अर्जुन को। इसीलिए कृष्ण परमात्मा अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप अगर बदल भी गए हो, आपके मन में वैराग्य भी आया है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो लोग यही सोचेंगे कि आप युद्ध से डर के चले गए हो, इससे अच्छा है कि आप युद्ध करो और धर्म को रक्षा करो। हेलो, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। आज तीन तीन श्लोक हो गए तो बहुत, मतलब लेकिन एक ही थीम थी, मुझे ऐसा लगा सुन के, मैं आंखें बंद करके सुन रही थी आज, कि अपना धर्म अपनाना है, अपना धर्म अपनाना। स्वधर्म को अपनाना है। मैम, यहाँ पर कृष्ण परमात्मा एक बात ही बोले हैं, अपना स्वधर्म, मतलब हर एक स्टेज में हमारा एक एक धर्म रहता है। एक छात्र के अवस्था में एक छात्र का स्वधर्म क्या है, पढ़ाई करना है। तो अपने मन और इंद्रिया, यह जो कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं, अपने मन और इंद्रियों का अपने अधीन करो। क्षणस्थायी भौतिक सुख में जब मन और इंद्रिया खो जाते हैं, अपना स्वधर्म हम खो जाते हैं। मतलब एक छात्र जो उसकी अध्ययन प्रिय समय में पढ़ना चाहिए, अपनी इंद्रियों के वशीभूत होके और मन के वशीभूत होके अगर क्षणस्थायी भौतिक सुख में लग जाता है तो वो अपना स्वधर्म नहीं कर पाता है। वो अपना जो विद्या का समय का अर्जन करने का समय है, तब उस समय में वो विद्या अर्जन नहीं कर पाते। क्षणिक सुख के लिए कहीं कहीं पर भटकता रहता है, कुछ 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 काम, लेकिन वो क्षणिक सुख केवल उस समय के लिए है ही। इसके बाद जब वो समय गुजर जाता है, तब वो पश्चाताप करता है कि मैं अपने जीवन में जिस समय, जो यहाँ पर और एक अच्छा बात भी कृष्ण परमात्मा बोले हैं कि हमारा जो स्वधर्म है, जब जिस
तभी मैं अपने जीवन में आगे आ पाऊंगी, ना कि उस समय दूसरे समय उस समय को दूसरे वस्तुओं में प्रयोग करूं अपनी खुशी के लिए। वो भी लेना चाहिए, नहीं, मैं नहीं कह रही कि वो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा अपना स्वधर्म को देखो, अपने जीवन में कौन से समय में, अपना समय में कौन सा स्वधर्म करना चाहिए, उस स्वधर्म को हमें निभाना है। ये कृष्ण परमात्मा का एक संदेश है हम सभी को। जी मैम, अन्नपूर्णा मैम आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? नहीं, बस बहुत सुंदर तरीके से पद्मा मैम ने समझाया। हम अपने जीवन में देखो तो हमारे जैसे अलग-अलग समय पर अलग-अलग स्वधर्म होता है, उसको परिपालन करना है, उससे भागना नहीं है। चाहे हम आध्यात्मिकता में हो या नहीं हो, लेकिन स्वधर्म का पालन जरूर करना चाहिए। ये समझ में आया। धन्यवाद मैम। और प्लीज कोई भी कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। थैंक थैंक यू पद्मा मैम, बहुत यू मैम। अच्छे से समझ आया। थैंक यू।